आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 22 फंक्शन। तो अभी तक हमने डिक्शनरी, लिस्ट, टपल ये सब कंप्लीट कर लिया है। आज हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं। ये फंक्शन का पार्ट वन है। बेसिकली फंक्शन या तो 3 या 4, 4 पार्ट में कंप्लीट हो, देखते हैं। तो फंक्शन क्या है? अभी तक आप जो कुछ करते आ रहे थे, बस अब वो हम फंक्शन के थ्रू करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में फंक्शन में एक सेक्शन है कोड का जो परफॉर्म करता है एक स्पेसिफिक टास्क, जिसमें हम कुछ इनपुट दे रहे हैं, मैनिपुलेट हो रहा है और फिर रिटर्न कर रहा है एज आउटपुट। फंक्शन क्या है? एक ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। एक ब्लॉक के अंदर हम चीज़ों को रखते हैं। फंक्शन हैज सम नेम, उसका एक नेम होता है, और कोड रियूजेबिलिटी, दैट मीन्स हमने एक बार अगर क्रिएट कर दिया फंक्शन में कोई चीज़, तो हम उस फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स कॉल करा सकते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर भी कॉल करा सकते हैं। फंक्शन नॉट रन विदाउट कॉलिंग, यानी कि अगर हमने कोई चीज़ फंक्शन में लिखी है तो वो विदाउट कॉलिंग उसका आउटपुट नहीं आ सकता। तो ये कुछ बेसिक है, मतलब हम एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे, उसको एक नेम असाइन करेंगे और उसके नेम को ही हर जगह यूज़ करेंगे। दैट मीन्स कि कोड एक बार ही राइट करना पड़ेगा, बट कॉल मल्टीपल टाइम्स करा सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। अगर हम टाइप्स की बात करें फंक्शन के, तो वो 2 टाइप्स के होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ प्री डिफाइंड फंक्शन, तो हम ऑलरेडी इतने दिन से पाइथन में पढ़ते आ रहे हैं प्रिंट फंक्शन, जो कैसा है? प्री डिफाइंड फंक्शन। ये भी तो एक फंक्शन है, आप देख सकते हो, प्रिंट। मैंने यहाँ लिखा हेलो, ये प्री डिफाइंड है, ये भी फंक्शन, बट ये कैसा है? प्री डिफाइंड। अब इवेल फंक्शन, जो अभी अभी हमने टपल के लास्ट टॉपिक में देखा था इवेल फंक्शन, तो वो भी कैसा हुआ? प्री डिफाइंड फंक्शन। अब बात करते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। जैसे कि मैं खुद से एक नाम देकर एक फंक्शन बनाऊँ, उसको क्या बोलेंगे? यूज़र डिफाइंड फंक्शन। जैसे एग्जांपल लिखा है मैंने सम, नेम कुछ भी हो सकता है, यूज़र डिफाइंड है ना हमारे द्वारा, तो हम कुछ भी उसका नाम रख सकते हैं। अब मैं एक सिचुएशन लेती हूँ, जैसे ये वाला कोई है कि विदाउट फंक्शन मुझे 2 नंबर्स का ऐड करना है, फिर आपको डिफरेंस समझ में आएगा। अगर आप ये डायरेक्टली देख रहे हो और आपको नहीं पता, तो सिंपल पहले विदाउट फंक्शन वही काम करेंगे, फिर मैं फंक्शन के थ्रू, मुझे 2 नंबर्स का सम करना है। इससे इजी तो कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता, इसी प्रोग्राम से हम पूरे फंक्शन को समझेंगे। तो पहले मुझे 2 नंबर्स का सम करना है विदाउट फंक्शन, ठीक है। ऐड 2 नंबर विदाउट फंक्शन, मतलब इसमें फंक्शन का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो कैसे लेने हैं 2 नंबर्स का सम? कैसे करते हैं? हमने यूज़र इनपुट करेंगे काम, इंट, फिर इनपुट, यहाँ हम लिखेंगे एंटर अ नंबर, नंबर अगेन, फिर वाई इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर। उसके बाद अब दोनों का सम करना है, तो जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, सिंपल सम किया, अब आंसर प्रिंट करा देंगे। आंसर किसके अंदर आएगा? जेड के अंदर, समझ गए। ये यूज़र से इनपुट लेंगे एक्स, वाई यूज़र से इनपुट लेंगे एक्स प्लस वाई, सम करा देंगे जेड। अगर मैं इसको रन कराऊँ तो देख सकते हो एंटर ए नंबर, मैंने कोई भी नंबर दिया, फिर अगेन इसका सम हो गया 90। तो इस तरीके से मैं कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकती हूँ। तो ये अभी फंक्शन नहीं था, बेसिकली हमने एक सम ऑपरेशन परफॉर्म किया, लेकिन ये विदाउट फंक्शन है, अभी हमने फंक्शन यूज़ नहीं किया। यही काम अगर मुझे फंक्शन से करना हो, मैं आपको ये डिफरेंस बता रही हूँ, यही प्रोग्राम बनाऊंगी फंक्शन से, काम यही होगा, आउटपुट में तो कोई अंतर आएगा ही नहीं। अब आउटपुट देखो या मत देखो फर्क नहीं पड़ता, कोडिंग में अंतर आएगा, पर आपको पता चलेगा कि वही काम फंक्शन से होगा तो कैसे होगा। तो आप देख सकते हो, अब मैं फंक्शन का यूज़ करके कर रही हूँ, एड टू नंबर विद फंक्शन, विदाउट हटा देती हूँ। तो कैसे करते हैं पाइथन में? अगर कोई फंक्शन बनाना हो तो एक कीवर्ड यूज़ करते हैं def, यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम ऐड सम जो चाहूँ वो रखूँगी। अब इंपॉर्टेंट बात है, आपको थोड़ा सा ध्यान देके समझना है, जब भी आप पाइथन में फंक्शन बनाओगे आपको def कीवर्ड लगाना है, फिर फंक्शन को एक नाम देना है, हम कोई भी नाम दे सकते हैं, उसके बाद यही वाले पैरेंथेसिस देने हैं, देन कॉलन लगाना है। अब फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो गई, अब आप जो चाहो वो काम कर सकते हो, जैसा भी हमने पहले किया था वही यहाँ करूँगी। ए इक्वल्स टू यहाँ पे इंट, फिर इनपुट, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर अ नंबर, हमने लिख दिया, यही काम एक बी वेरिएबल ले लेंगे, बी इक्वल्स टू इंट, यहाँ लिखेंगे इनपुट
एंटर अ नंबर, फिर सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, प्रिंट सम इज, डायरेक्ट आंसर भी प्रिंट करा सकते हैं, सी हो गया। अब आप सोचो इसका कोई आउटपुट आएगा, प्रोग्राम बिल्कुल सही है, फंक्शन से किया है मैंने, फंक्शन में बस क्या चेंज कर दिया, df लगाया, फंक्शन को एक नाम दिया और ये लिखा। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ, अगर हम ऐसे ऐड लिख रहे हैं और मैं ये बोल रही हूँ कि ये फंक्शन है, तो मैं आपको बता दूँ ये फंक्शन नहीं है, रॉन्ग है, विदाउट पैरेंथेसिस ये फंक्शन नहीं कहलाता, ठीक है। अब ये फंक्शन तो हमने बना दिया, रन भी हो गया, लेकिन इसका कोई आउटपुट नहीं आएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ, आप देख सकते हो कोई आउटपुट नहीं आया। आप याद कर सकते हो कि क्यों नहीं आया, कोई भी आउटपुट इसका क्यों नहीं आया, तो मैं आपको बता दूँ आउटपुट इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने इसे कॉल नहीं कराया, समझ गया। तो कॉल कहाँ कराना है, इससे एंटर करो कि बाहर निकलेंगे, देन हम कॉल कराएंगे ऐड। तो हम इस तरीके से फंक्शन को कॉल कराएंगे, आप देख सकते हो, आप आ गया, कॉल हो गया। अब मैं चाहूँ इससे, अब मैंने ये कोड एक बार राइट कर दिया, मुझे दूसरी बार कॉल कराना है, यस, फिर मैंने ऐड लिखा, फिर देख सकते हो आप, फिर दोबारा आंसर आ गया ना सामने 68, फिर दोबारा मांग रहा है, यानी कि आप उसे कोड तो एक ही बार राइट किया ना मैंने, लेकिन कॉलिंग मल्टीपल टाइम्स की। तो इस तरीके से हम कॉल करा सकते हैं, इस तरीके से हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम हो वो हम फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। अब इसको मिनिमाइज करते हैं, ये देख सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ आर्गुमेंट एंड रिटर्न टाइप, आर्गुमेंट लें फंक्शन में और रिटर्न टाइप करें, तो फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, तो फंक्शन 4 टाइप्स के होते हैं, नो रिटर्न, नो आर्गुमेंट, नो रिटर्न बट आर्गुमेंट, रिटर्न बट नो आर्गुमेंट, रिटर्न विद आर्गुमेंट विद रिटर्न टाइप। तो इस तरीके से हम 4 टाइप पढ़ेंगे, कोई सीक्वेंस नहीं है इसमें, कोई भी टाइप पहले पढ़ सकते हो, बट ईजी से स्टार्ट करेंगे सिंपली। तो जैसे मैं यही क्वेश्चन चारों टाइप से कराऊंगी, सबसे पहला क्या था, नो रिटर्न नो आर्गुमेंट, आप इस चीज को थोड़ा सा समझ दीजिए, जैसे हमने दिया प्रोग्राम, उसका नाम सम रख दिया, सपोज स्टार्ट किया, कॉलन लगाया, अब हम यूजर से इनपुट लेंगे, हमने लिखा इंट, इनपुट एंटर अ नंबर, उसके बाद फिर वाई लिया, फिर इंट, इनपुट, फिर लिखा एंटर अ नंबर। देख सकते हैं इसमें हम कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहे और कोई रिटर्न नहीं करा रहे, तो सबसे पहले आर्गुमेंट चेक कैसे करते हैं, ले रहे हैं नहीं, मैं आपको बता दूं ये ब्लैंक है, तो दैट मीन्स हम उसमें कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहे, इसी जगह आर्गुमेंट लिया जाता है। अब मैं सम करा रही हूँ, मैंने लिखा है एक्स इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, फिर देख सकते हो प्रिंट सम इज कॉमा एस, बाहर से कॉल करा देंगे। अब आप समझ ही गए होगे, इसमें देखो ना रिटर्न नहीं किया, हमने यहीं पे इसका आंसर प्रिंट करा दिया, रिटर्न नहीं किया, नो रिटर्न, यानी कि अगर ये रिटर्न कराता कुछ फंक्शन तो यहाँ पे मुझे रिटर्न कीवर्ड यूज़ करना पड़ता, बट यहाँ मैंने कुछ भी रिटर्न नहीं कराया, ये फंक्शन खुद ही, देखो सम करेंगे हम चारों प्रोग्राम से, बट आपको समझना है इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से कि यहाँ पे कुछ नहीं दिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, तो ब्लैंक है, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा लिखा एक्स वाई नहीं लिखा ना, तो दैट मीन्स ये क्या है, नो आर्गुमेंट, नो रिटर्न, नो आर्गुमेंट, और यहाँ पे भी कुछ रिटर्न है नहीं है। अब मैं आपको आउटपुट दिखा देती हूँ, टू नंबर्स का सम 9, तो ये किससे किया मैंने, नो रिटर्न नो आर्गुमेंट से। अब मैं इसको रिटर्न तो अभी भी नहीं रखती, बट आर्गुमेंट लेके दिखाती हूँ आपको कैसे करेंगे। जब हम आर्गुमेंट लेंगे तो इन दोनों लाइनों को यहाँ से हटा देंगे, समझ गए आप। अब यहाँ पे मैं आर्गुमेंट लूँगी, लाइक मैंने लिया एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब ये एक्स वाई यहाँ पे हैं, तो अभी जब कॉल हो रहा है तो यहाँ से हमें वो वैल्यू पास करनी पड़ेगी, तो हमने यहाँ पे लिया एक्स कॉमा वाई, बट ये सम के पास भी तो होनी चाहिए, तो ये कहाँ से आएंगी,
मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया उस लाइनों को, यानी कि अब फंक्शन ये देखो यहाँ पे फंक्शन फिनिश हो गया, जो लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो दैट मीन्स वो फंक्शन की नहीं है, वो फंक्शन के आउटसाइड है। तो मैंने यहाँ से वैल्यूज़ दे रही हूँ, यहाँ पे यूज़र से इनपुट लूँगी, यहाँ से यूज़र इनपुट लूँगी, आपको इसके आउटपुट में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, बट कोडिंग में डिफरेंस है। यहाँ पैरामीटर है, यहाँ आर्गूमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आर्गूमेंट पास कर दूँगी एक्स वाई, तो ये वैल्यू इसको मिल जाएगी, ये वाली वैल्यू इसको मिल जाएगी। अब आप देख सकते हो मैंने दिया 3 4 7 आ गया। अब आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये एक्स है, अब आपको कन्फ्यूज होना, यहाँ पे एक्स हटा दो, यहाँ पे क्या ले लो ए, और यहाँ पे क्या ले लिया बी। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसमें पास करोगे तो ये भी क्या होने चाहिए, ए भी, मतलब वेरिएबल भी बदल दिया। आप ये मत सोचो एक्स वाई सेम है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये ए है, इसकी वैल्यू किसको मिलेगी, एक्स को। ये बी है, इसकी वैल्यू किसको मिलेगी, वाई को। आप देख सकते हो अभी भी हमारा सही आ रहा है, एक्स और वाई से मतलब नहीं है, यहाँ सेम होना चाहिए। अगर आपने ए एक्स वाई यहाँ यूज़ किया तो यहाँ पे भी एक्स वाई करोगे, अगर यहाँ पे ए और बी यूज़ किया है तो जब हम फंक्शन में पास करेंगे तो ए भी करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, मैंने लिखा सम, यहाँ लिख दिया 10, 20, पर अगर मैं यूज़र इनपुट नहीं बनाऊंगी तो हमारा आंसर क्या आएगा, 30 आएगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो आप इस तरीके से पैरामीटर को पास कर सकते हो। पैरामीटर को पास करने में क्या हुआ, 10 वाली वैल्यू हमेशा किसको मिलेगी, एक्स को, और नेक्स्ट वाली वैल्यू किसको मिलेगी है, वाई को। तो ये था नो रिटर्न बट आर्गुमेंट। अब हम थर्ड टाइप कर लेते हैं जिसमें हम रिटर्न कराएंगे, तो वो कैसे करेंगे, रिटर्न बट नो आर्गुमेंट। मैंने एक ऐड लिया एक फंक्शन, उसके अंदर अब देखो इसमें आर्गुमेंट नहीं है, तो मैं इसके अंदर ही लूँगी जहाँ से आर्गुमेंट आता है, जैसे मैं ऐसे करती हूँ तो मुझे अंदर लेना नहीं पड़ता, बट यहाँ नहीं है तो मुझे लेना पड़ेगा। तो मैं कैसे लूँगी, एक्स इक्वस टू इंट इनपुट, यहाँ पे मैंने लिखा एंटर अ नंबर, फिर वाई इक्वस टू इंट इनपुट सिंपल एंटर अ नंबर। देख सकते हो है ना, एक्स वाई लिया, फिर जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अब आपको समझना है, यहाँ तक तो आप पहले से भी कर रहे थे, लेकिन यह रिटर्न कराना है, तो रिटर्न कराऊंगी, मतलब हम आंसर खुद नहीं प्रिंट कराएंगे। जैसे मैं क्या कर रही थी, यहाँ प्रिंट लिखते थे ना, नॉर्मल सिचुएशन में हम लिख देते थे प्रिंट जेड, वहाँ ये यहाँ ये काम नहीं करेंगे, इसको रिटर्न करा देंगे, रिटर्न जेड, रिटर्न जेड करा दिया। अब हम बाहर आ गए तो क्या होगा, आपको जो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं होल्ड करना पड़ेगा। अगर आपको कोई चीज़ रिटर्न करे तो आपको कहीं ना कहीं होल्ड कराना पड़ेगा। तो जब आप ऐड फंक्शन को कॉल करोगे तो आपको वैल्यू कहीं ना कहीं होल्ड करानी पड़ेगी, वो आपने एक वेरिएबल ले लिया लाइक रिजल्ट, इसमें आप वैल्यू होल्ड कराओगे और प्रिंट किसको कर दोगे, रिजल्ट को, प्रिंट रिजल्ट, सिंपल। देख सकते हो मैंने लिया 3 4, क्या आ गया 7। मैंने आपको क्या बोला, आउटपुट में कोई फर्क नहीं, अब इसको समझना है, यहाँ हम आंसर प्रिंट नहीं कराएंगे, हम रिटर्न करा देंगे फंक्शन के बाहर। जब इसको कॉल किया जाएगा तो ये कुछ रिटर्न करेगा, उसको होल्ड करने के लिए कुछ चाहिए, मैंने रिजल्ट एक वेरिएबल ले लिया होल्ड करने के लिए, और यहाँ पर रिजल्ट को प्रिंट करा दिया। तो ये था रिटर्न बट नो आर्गूमेंट। अब चौथा टाइप, रिटर्न विद आर्गूमेंट। देखिए आपने थर्ड और सेकंड पढ़ लिए, तो ये आपको खुद करना चाहिए, आप इसको पॉज करो और इसका खुद से करके देखो, उसमें रिटर्न भी कराओ आर्गुमेंट भी करो, एक मिनट के लिए उसको पॉज करो, ठीक है। आई थिंक आपने ट्राई कर लिया होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं खुद, फोर्थ को। अगर आपने किया है और गलत भी हुआ है तब भी आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ट्राई नहीं किया तो नहीं हो पाएगा। अब भी हम एक फंक्शन ले लेंगे डैफ कीवर्ड के साथ, सम। अब इसमें दोनों चीज़ें हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स कॉमा वाई, सिंपल। तो जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अब जो आंसर है, यहाँ जेड लिखना चाहिए था मुझे, उसको रिटर्न कराना है, तो इसका काम तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे जब मैं एक फंक्शन कॉल कराऊंगी सम, तो मुझे दो आर्गुमेंट देने, तो वो आर्गुमेंट कैसे दूंगी, मैं यूज़र से इनपुट करा देती हूँ। मैंने लिया ए इंट इनपुट एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, उसके बाद
बी इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, दो नंबर आ गए। अब मैं ए और बी को पास करूंगी क्योंकि आपको पता ही है ये दोनों टाइप है। अब जो ये रिटर्न करेगा, ये तो वैल्यू पास कर दी ना मैंने ए और बी, जो ए की वैल्यू एक्स को और बी वाली वैल्यू किसको मिल जाएगी वाई को, मर। मगर अब हम क्या करेंगे, रिटर्न कराएंगे, तो मैंने उसके लिए आर ई एस एक वेरिएबल लिया। तो जब ये वैल्यू, सबसे पहले ये कॉल होगा, ए की वैल्यू एक्स को बी की वैल्यू वाई को मिल जाएगी, सम हो जाएगा, आंसर रिटर्न करेगा। तो आपको एक वेरिएबल चाहिए, आपने होल्ड कर लिया रिजल्ट में। अब आप इसको प्रिंट करा दो, प्रिंट आर ई एस, ये कैसा है, रिटर्न विद आर्गुमेंट, एंटर ए नंबर 3, 8, कितना आ गया 11। तो हमने इस तरीके से चारों टाइप कर लिया। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, मैं एक असाइनमेंट देख लेती हूँ। जैसे मैंने असाइनमेंट है, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। एंटर 3 नंबर फ्रॉम यूज़र, आपको 3 नंबर्स यूज़र से इनपुट कराने एंड प्रिंट सम ऑफ 3 नंबर्स विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, फंक्शन की हेल्प से आप कीजिए कोई भी टाइप यूज़ करके। एंटर 2 नंबर फ्रॉम यूज़र एंड परफॉर्म सबट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। आप ये दो असाइनमेंट ट्राई करिएगा, आपका इजीली हो जाएगा।